नमस्ते नमस्कार प्रणाम आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज मैं आपके साथ सन्नी सिंह अभी मैं जिस जगह पे हूँ अभी मैं यहाँ से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ अभी मैं जिला नवादा प्रखंड पकरी ब्रामा ग्राम केसौरी में हूँ आज सुबह एक बहुत ही दर्दनाक घटना यहाँ पे हुआ है आप देख सकते हैं मैं आपको लाइव दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ गरीब का मकान बना हुआ था यानी एक ही आदमी का यहाँ पे मकान बना हुआ था सबसे पहले आप नीचे दिखाइएगा कि जितना सामान था टोटल के टोटल जल के राख हो गया है पहले आप लाइव के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जितना भी यहाँ पे सामान है कोई भी ऐसा सामान नहीं बचा है ताकि वो सुरक्षित तो उनके पास रह सके एक बार आप पूरा इधर आइएगा और जितना सामान जला एक बार पहले आप अपने लाइव के माध्यम से पूरा आप एक एक चीज़ करके दिखाइएगा अभी देख रहे हैं रात अभी आठ बज रहा है और आठ बजे रात को हम लोग यहाँ पे जैसे ही हमको सूचना मिला कि केसौरी में इस प्रकार की घटना है हम कहीं बाहर निकलने वाले थे लेकिन फिर भी हम यहाँ पे उपस्थित हो गए आप एक बार पूरा कैमरा घुमाइएगा कि देख सकते हैं महिलाएँ लोग यहाँ पे घर में इनका घर जल गया है और कैसे ही बिना छत के नीचे ये लोग बैठे हुए हैं देख सकते हैं सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि इनका जितना भी सामान था एक ही छत के नीचे था हालांकि इनका करकेट फूस का मकान था जैसे ही मतलब आग लगा गर्मी का मौसम था बाहर में इन लोग का चूल्हा था खाना बन रहा था और वहाँ से गर्मी का मौसम था तेज हवा चली तेज हवा चलने के बाद वहाँ से जो आग की चिंगारी होती है वो आके यहाँ से टकरा गई जैसे ही आग के चिंगारी फूस में आके लगी फूस का यहाँ इनका मकान बना हुआ था छप्पर था जलने लगा हालांकि गांव के जो सहयोगी थे उन्होंने घटनास्थल पर बहुत प्रयास किया लेकिन गर्मी का मौसम था और आग का लपेट इतना तेज था कि कुछ भी गांव गांव वाले लोग बचा नहीं पाए एक बार आप पूरा नीचे दिखाइएगा देख सकते हैं कि कपड़ा जितना मतलब इसके अंदर सामान था आप यहाँ पे एक बार पूरा आइएगा मैं आपको पूरा दिखाना चाहता हूं कि जितना सामान था टोटल के टोटल जल गया आप देख सकते हैं इधर पूरा कपड़ा पहनने वाला कपड़ा था सब जल गया मतलब इनका सामान रखा हुआ था अनाज रखा हुआ था जो भी मतलब इस छत के नीचे था इस फूस के नीचे था सब जलकर राख हो गया हालांकि एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे छोटा छोटा बच्चा भी सो रहा था बहुत सारे लोग भी थे लेकिन गांव के सहयोग से उनको बाहर निकाल लिया गया बहुत सारे यहाँ यहाँ पे एक दो को जानवर भी बांधा हुआ था वो भी सुरक्षित निकल गया एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ आप यहाँ पे आइएगा और लाइव दिखाता हूँ कि देख सकते हैं यहाँ पे घर का जो भी बर्तन है मतलब इतना तेज आग का लपेट था कि आप देख सकते हैं पूरा बर्तन भी देख सकते हैं किस तरह का हो गया है मतलब पूरा बर्तन जल के राख हो गया एक चीज़ मैं आपको बता दूं और यहाँ के गांव के कुछ सहयोगी लोग हैं मैं उनसे बात करता हूँ और पूछता हूँ कि ये आग कैसे लगा है और मतलब ये कब की घटना है आइए इधर आइएगा क्या नाम है आपका सर संजय सिंह अच्छा आप इसी गांव के हैं जी अच्छा कैसे घटना कब की है और कैसे आग लगा ये बताइएगा ये कल पाँच बजे का घटना चार पाँच बजे के लगभग अच्छा वो खाना बना रही थी हाँ। और जो आग उससे मतलब निकला हाँ, चिंगारी चिंगारी निकला और हाँ, चिंगारी धर लिया मतलब फूस का था ही हाँ, धर लिया और चारों तरफ लग, एक बार मतलब चारों तरफ घूम गया एकदम अच्छा किसी को मौका मतलब बताने का मौका, मौका नहीं मौका नहीं गर्मी का मौसम था आग की लपेट बहुत ज्यादा हाँ, बढ़ गया था फिर कुछ लोग मतलब जलने क्या करता मतलब उस समय फिर दमकल को मतलब आगाह किया गया फिर दमकल दो दो दमकल आया उसके बाद दमकल ही मतलब इसको आग को बुझाया अच्छा तो गांव के यहाँ पे जितने लोग थे गांव के जो ग्रामीण थे उनके द्वारा मतलब आग पे काबू नहीं किया गया नहीं किया गया पानी ल, पानी ल, 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 मतलब पो, पोखर है बगल में पोखर से पानी लाया लेकिन उससे कहाँ बुझता है अच्छा, नुकसान क्या क्या हुआ है और कितना के नुकसान हुआ है थोड़ा सा हमको बताइए नुकसान पाती जितना भी था इसके घर में हाँ। सब खत्म तो हो गया चौकी, चौकी, हो गया। चौकी हाँ। जो भी सामान था हाँ। सारा सामान इसको मतलब सुहा हो गया अच्छा। सिर्फ शरीर बचा इसका अच्छा एक चीज और बताइएगा ये घटना कल कितना बजे का है करीब करीब चार बजे के लगभग सुबह की नहीं शाम अच्छा शाम की शाम की अभी देख लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ कि शाम की ये घटना है और जैसे इनका कहना है कि यहाँ पे दो से ढाई लाख रुपए का इनका सामान था जो चौकी पलंग खटिया जो भी था मतलब गरीब आदमी थे पार मतलब पहनने तक का कपड़ा जो था वो भी जल गया पैसा पैसा कितना जेवर भी पैसा था करीब तीस पैंतीस हजार के लगभग अच्छा, वो सारा जल गया सारा जल गया और जेवर कुछ था हाँ जेवर भी मतलब कुछ मिला क्या जेवर कुछ नहीं मिला कुछ, कुछ नहीं कर मिल कर आ गया उसी में अच्छा। देख सकते हैं कि सबसे दर्दनाक और दुर्भाग्य की बात यह है कि मतलब अचानक आग लगा आग लगने के बाद ग्रामीण के द्वारा मतलब बुताने का प्रयास किया गया लेकिन गर्मी का मौसम था और आग की लपेट इतना बढ़ गई थी कि उन्होंने आग पे काबू नहीं कर पाया हालाँ यहाँ के जो स्थानीय क्षेत्र है, हैं जो यहाँ के पुलिस प्रशासन है उनको भी सूचना दी और वहाँ से दमकल आया लेकिन दमकल आने से पहले जितना सामान था सब जल के राख हो गया था एक बार आप पूरा इधर दिखाइएगा कि इतना सामान था ए टू जेड और इनका कहना है ग्रामीणों का कहना है कि इनके पास पंद्रह से बीस हजार रुपया था वो भी जल के राख हो गया और यहाँ पे कुछ महिलाएं बैठी है इन्हीं लोग का घर जला गया और इन्हीं से मैं दो मिनट बात करता हूँ कि कैसे क्या हुआ है क्या सामान था मैं इन्हीं से दो मिनट पूछता हूँ कौन बोलिएगा अच्छा, क्या नाम है चाची आपका मंजू देवी अच्छा, कैसे ये जला मतलब खाना बना बनाए सर उधर से लगा दिए जांच में चूल्हा इधर लेने लेते सामान आया

कि जो स्थानीय जिला परिषद से वो वो आए हैं और आने के बाद आश्वासन दिए हैं क्या आश्वासन दिए थे जिला परिषद जो आए थे क्या बोले थे वो बोले कि मतलब आगे हम प्रोसेस मतलब करेंगे हाँ। उसके बाद वीडियो साहब सीओ साहब के सूचना मिला कि नहीं हाँ हाँ मिल गया उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया वो आए हैं नहीं अभी अभी आए नहीं सूचना मिलने के बाद नहीं आए नहीं आए हैं अच्छा ये मतलब देख सकते हैं सूचना मिला है लेकिन अभी यहाँ पे नहीं आए हालांकि मैं अपने लाइव के माध्यम से यहाँ के जो सांसद हैं चंदन सिंह और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनको सूचना गया कि नहीं फोन द्वारा गया है विधायक जी को गया, है। गया है सूचना आ, 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 आ. मैं उनसे अभी सांसद चंदन सिंह से बात हुआ है चंदन सिंह से बात हम लोग तो नहीं हम लोग नहीं अभी मैं आपको लाइव के माध्यम से बात करता हूँ और बात करके अभी मैं उनसे इस घटना को मतलब उनसे रूबरू कर बाता हूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ जय